मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को मेरा आवाज सुनने में आ रहा है। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू। तो जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में नासिक से आपको मसीह वंदना देता हूं। आप सब पवित्र लोगों के साथ प्रभु का इस रीति में जो मीटिंग में मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर बनाकर दिया, उसके लिए प्रभु का दास इसी मातृ स्पदर ने बहुत बड़ा मार्ग खोल कर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मानव आपका बीच में से मैं तुषार ब्रदर को और रामूल ब्रदर को बॉम्बे में मिला है, तो इधर ही इधर देखा तो बहुत आनंद हुआ। प्रभु ने अभी तक हमें जीवित रखा, इस कोरोना के बीच में भी कोई ऐसा वादा ना आते हुए प्रभु में जीवित रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चय मैं आशा करता हूँ आज हम सब लोगों से प्रभु बात करेगा, क्योंकि ये हमें मिला हुआ एक पगला अवसर है। एक्चुअली मुझे जब बोलने लगता है तो जीवन का नदी बहते रहता है। मुझे मानव समय के बारे में बताया है कि मैक्सिमम 40 मिनट कुछ बोला, मुझे मालूम नहीं आप लोगों का कितना तक टाइम है, क्योंकि मुझे 40 मिनट क्या होता है आउटलाइन बोलने के लिए रहता है, इसके बाद में मेरा संदेश शुरू होता है। तो अधिकतर मतलब कई जगह पर जाने के समय में संदेश सुनने का समय बहुत कम मिलता है, तो भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आज का ये हमारा पहला संगति में जरूर प्रभु हम हर एक से बातचीत करें। तो सबसे शुरुआत में एक बात में आपको याद रहना चाहता हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोने वालों का दृष्टांत में एक बात कहा, सबको अच्छी तरह याद है, जब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 से 15 तक का वचनों में लूक चैप्टर 8 वर्स 11-15 हमारे भाई लोग यहां से पढ़ेंगे। हाँ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे वे है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भग जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन जो लोगों में काम करता है, उनका दिल की चार अवस्था, ये चार प्रकार का लोगों को भी दिखाता है, साथ ही साथ एक ही व्यक्ति का चार अवस्था को भी दिखाता है। बहुत ध्यान से आप लोग इस बात को जानना, क्योंकि आपको मालूम है इवन उदार पाया हुआ लोगों में भी बहुत बार उनका जीवन में ऐसा अनुभव रहता है क्या सुना जल्दी भूल जाता है। कभी कभी उधार पाए हुए लोगों के जीवन में भी ऐसी अवस्था हो जाता है। खैर अभी आम हम लोग बोलता है जो भी वजन, क्योंकि वहां पर जो बोता है वजन बोता है, तो ये वजन कहां पर गिरता है। आज कई बार हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जब आता है हमारा दिल उस प्रकार एक सच्चा तैयारी में नहीं रहता, क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों के साथ बात करने के टाइम पर मैंने उनको पूछता है कि कल आपने क्या संदेश सुना, उनको याद तक नहीं। ऐसा कई प्रभु के दासों के जीवन में, कई विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा अनुभव हो जाता है। प्रभु इस वजन सुनाने के पीछे प्रभु का इच्छा क्या है, ये वजन हमारा अच्छा दिल में आकर के हम एक फलदायक अनुभव में बदलना चाहिए, फल लाना चाहिए। और जो आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का वजन सुनने के बाद वो वजन एक फलदायक अनुभव में नहीं बदलता, तो हमें हमारा पिछले दिनों को हम पीछे मुड़ कर देखेगा तो ये प्रभु का वचन जितना हम सुनते हैं वो कहां तक प्रभु चाहने वाला फल देता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। कई बार लोग वचन सुनने के बाद में एक फलदायक अनुभव में नहीं बदलता है तो सबसे बड़ा दुख प्रभु को है, और हम फलदायक नहीं बनना ये लक्ष्य विरोधी शैतान का है।
आपने देखा पहला जो अनुभव क्या है, जो सड़क पर गिरे हुए जो बीज है वो कौन उड़ाकर लेकर गया है? शैतान आकर के उड़ाकर लेकर गया। शैतान को जब भी मौका मिलेगा, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे मूल्यवान बात प्रभु का वचन है, ये वचन हमारे पास होना ही चाहिए। आज बहुत लोगों का दिल में प्रभु का वचन बहुताई से नहीं रहता। आपको याद होगा जब पड़ोसियों 3:15 में लिखा है, मसीह के वचन बहुताई से तुम्हारा दिल में बसने दो, है ना। बहुत अनमोल बात है। मैं सारा वचन नहीं पढ़ाएगा, मैं ऐसे बोलते जाऊंगा। आप लोग प्रभु के दास लोग है, अच्छा आत्मीय जीवन में मैं आशा करता हूँ आप लोग काफी बढ़ोतरी पाया हुआ लोग रहेंगे। पर्सनली हमको सबके साथ परिचय नहीं है, तो भी मैं आशा करता हूँ, तो इसलिए आप लोग रेफरेंस वगैरह लिख करके रखना। तो अभी मैंने आपको पड़ोसियों 3:15 में लिखा है कि मसीह की वजन बहुताई से तुम्हारा दिल में बसने दो। आज ये वजन हमारे दिल में बहुताई से बसने वाला अनुभव है क्या? ये वजन हमारे जीवन में दिल में रहेगा तभी वो काम में आएगा, है ना। हर एक लोगों के साथ भी बांटने के टाइम पर हमें ये वजन बजाना है, क्योंकि ये वजन देगा तो वहां पर सुनने वाला लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। क्योंकि इस वजन को दिल में रहने का एक बड़ा लाभ हमारे लिए क्या है, 119 का 11 में वजन संहिता 119 उसका 11 में लिखा है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वजन को मेरा दिल में रख छोड़ा है। देखिए कितना अनमोल बात है, परमेश्वर के खिलाफ में पाप ना करने के लिए प्रभु का वजन को हमारा दिल में रख छोड़ना बहुत श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब क्या है कि वो सड़क का किनारे के अनुभव में बहुत लोग है, वजन सुना प्रभु ने क्यों सुनाया? हम उस वजन को सुन करके अमल करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको मालूम है पहाड़ी उपदेश का आखिरी में उसका कंक्लूशन जब प्रभु बोलता है, जब मत्ती 7:24-27 तक का वचनों में, मत्ती चैप्टर 7:24-27 में प्रभु क्या बोला, जो मेरा ये वचन सुनकर जो ऐसा करता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपनी घर का नेव चट्टान पर डाला, है ना। आज बहुत लोगों ने अपने जीवन में प्रभु का वचन सुना लेकिन वो अमल करके उस पर चलने के लिए जीवन बिताने के लिए उत्साह नहीं करता। तो मैं आप सबसे एक नम्र बिंदी इसलिए करता हूँ, अपने जीवन में हम दूसरे के ओर क्यों जाए, परंतु हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए कहां तक अपने दिल को सजाया है, अपने दिल को तैयार किया है? ये वचन आज हमारा दिल की पटरी पर लिखा जाएगा क्या? लिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ऐसे एक दिल हमको दिया। क्योंकि आपको याद होगा जब दूसरा कुरिंदी तीसरा अध्याय का तीसरा वचन में 2 कुरिंदियन 3:3 में लिखा है कि हम लोग मसीह का पत्र है, वह ये दिल की पटरी पर प्रभु लिखता है आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा इन वचनों को दिल की पटरी पर लिख करके हमें देखने वाला मसीह को पढ़ सके, उस प्रकार का कार्य प्रभु करता है। मसीह जीवन मसीह को प्रकट करके जीने वाला जीवन है, या मसीह को जीने वाला जीवन कितना धन्य जीवन है, बहुत श्रेष्ठ बात है ना। जैसा प्रेरित पौलुस गवाही देता ना, मतलब गैलातियों 2:20 में, अभी मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। जब हम प्रभु के वचन के आधार में जीवन बिताता है तो जीवन मसीह जीवन है। तो मेरा बोलने का अर्थ क्या है कि मैं इस भाग में ज्यादा विस्तार से यहां पर बोलने के लिए जाएगा तो यही भूत हो जाएगा, लेकिन मेरा विषय पर मैं जाना चाहूंगा। तो इसका मतलब हम सड़क पर गिरा हुआ बीज समान ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, या पत्थर के ऊपर गिरा हुआ वो अनुभव नहीं होना चाहिए, या झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज वो अनुभव नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा खेती में तैयार किया हुआ खेती में गिरा हुआ बीज समान हमारे जीवन में सुनने वाला हर एक वचन, वो वचन हमारे लिए बहुत बड़ा लाभदायी रहे। ये मैं आपको पहले ये चेतावनी दे करके मैं आज का संदेश आपको बहुत कम शब्दों में बहुत शॉर्टली, क्योंकि मुझे मालूम है कि मतलब आप लोग उस वजन की गहराई में जाने की उत्साह में रहेगा। तो आज मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको मालूम है हम मनुष्यों में तीन भाग, उसमें जब पहला थसलोनिकियों 5:23 सबको सुपरिचित है ना, हमारा आत्मा प्राण और शरीर, हमारा
आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों का हमारा उदार होना है, तीनों का उदार होना है। इसमें आत्मा का उदार और शरीर का उदार एकदम एक ही क्षण में है, एक ही क्षण में। परंतु हमारा प्राण का उदार वो एक लॉन्ग पीरियड में, एक बोलेगा तो एक लंबा पीरियड का प्रोग्राम है। इसका मतलब क्या है कि मैं आज आपको इसका शुरुआत आत्मा का उदार उस विषय में आज मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मतलब आप लोग बहुत ध्यान से, अगर आप लोगों को कोई डाउट भी रहेगा तो आप मेरा फोन नंबर लेकर के मेरे से फोन में संपर्क करेंगे तो मैं आपको उसको बहुत विस्तार से आपको बता सकेगा। तो यहां पर मतलब हमारा आत्मा का उदार का संबंध में जरूरी हम जानना चाहिए, ऐसा सात बात मैं आपको आज का क्लास में आपको बताऊंगा। आत्मा की उदार के संबंध में जरूरी हम जानना चाहिए, ऐसा सात बातें आज का क्लास में मैं आपको बता दूंगा। उसमें सबसे पहली बात हमारा आत्मा का उदार का, सबसे पहली बात आत्मा का उदार विश्वास के द्वारा है। नंबर वन बात, आत्मा का उदार विश्वास के द्वारा है, ये कोई कामों की द्वारा नहीं है ना। कई बार लोगों को डाउट लगता है मैं कोई अच्छा काम करेगा तभी मुझे उदार मिलेगा। नो 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 नो, आत्मा का उदार पूर्ण रूप में ये विश्वास के द्वारा है। मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा अभी, ये सब मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, इधर भाई लोग इधर से पढ़ेगा, अब ध्यान से सुनना। एफेसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन, एफेसियों दूसरा अध्याय का 8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखिए, न कर्मों के कारण, यहां पर साफ साफ बताता है कोई कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं, उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा है। ये बहुत सुंदर बात है, हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार है। एक प्रकार आत्मा का उद्धार बोलेगा तो इसको एक प्रकार हम उसको नया जन्म कर सकता है, पाप क्षमा कर सकता है ना, ये सारी बात इस आत्मा का उद्धार के अंदर आ जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ बात है आत्मा का उद्धार और कोई भी कामों के द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा है, विश्वास ही उसके लिए आधार है। तो दूसरा पॉइंट में मैं जल्दी जा रहा हूं, टाइम कम होने के कारण। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आत्मा का उद्धार बिल्कुल मुफ्त में है, मुफ्त में, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, आत्मा के उद्धार मुफ्त में। तीतुस का पत्री 3:5 पढ़ेगा, Titus 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये मुफ्त में है, मुफ्त में दिया। देखिए बहुत अनमोल बात है, उद्धार ये मुफ्त में है। कई ट्रांसलेशन में वो शब्द किसी किसी का नहीं आया, प्रकाशित वाक्य में 7:10 में लिखा है कि उद्धार परमेश्वर का दान है, बोलेगा तो मुफ्त में है, कुछ कुछ परिभाषाओं में नहीं आया, लेकिन मतलब वहां पर 7:10 गाता है उद्धार परमेश्वर का दान है। तो उसके जगह पर मैं एक आपको जानने के लिए एक और शब्द पढ़ाऊंगा, प्रेरितों का काम से, प्रेरितों काम उसका 15:11, प्रेरितों काम उसका 15:11, Acts 15:11। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, देखा अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, अनुग्रह का मतलब भी आपको मालूम है, अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ यीशु के दाने। तो ये दाने ये मुफ्त में है, पूर्ण रूप में मुफ्त में उदार है ना। आज उद्धार पाने के लिए कितने लोग कितने प्रकार का प्रयास करता है तभी भी उनको नहीं मिलता है। मेरे जीवन में मैं ऐसा बहुत लोगों को मिला है, जब मैं अपना आर्मी सर्विस में, मैं तो पहले आर्मी में था फौज में, तब मैंने हिमाचल में
वहां पर बहुत तपस्वी लोगों को मिला, वो लोग किस लिए बैठा था, उद्धार पाने के लिए। फिर उद्धार का मार्ग मैंने उनको बताया, प्रियो सच में कई सन्यासी लोग उद्धार पाया, प्रभु का वचन पर ये सच्चाई पर विश्वास किया, आज प्रभु का गवाह बनकर के कार्य कर रहा है, प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये उद्धार बिल्कुल मुफ्त में है, ये प्रभु की ओर से दान है। और तीसरी बात, मतलब आत्मा का उद्धार बहुत दिन हम इंतजार करने के द्वारा मिलने वाला एक बात है नहीं। देखिए, आत्मा का उद्धार हम बहुत दिन इंतजार करके प्राप्त करने वाला बात है ही नहीं, फिर विश्वास करने का उसी क्षण में मिलने वाला बात है। कई बार आपको मालूम है कि कई लोग ऐसे कई झुंड भी है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, बहुत मानव प्रार्थना में रह करके कई कुछ करते हैं आत्मा प्राप्त करने के लिए। प्रयोग एक बात को जानना, आत्मा का प्राप्ति कभी भी हमारे मेहनत या परिश्रम की फल नहीं, उसके लिए इंतजार करके बैठने के लिए प्रभु के वचन नहीं सिखाता। मैं आपको रूटली उसको आपको बताना चाहूंगा। आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस एफेसोस में जब गया, वहां पर कुछ विश्वासियों को मिला, उन लोगों से प्रभु के दास ने पूछा, प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय का दूसरा वचन, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 2, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, देखा, तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? देखा, मतलब पवित्र आत्मा कब मिलेगा? विश्वास करने के समय में, विश्वास करने के समय में। प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था को कोई तोड़ मोड़ ना करे। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने के समय में हमें पवित्र आत्मा मिलता है। मुझे मालूम है कई प्रकार ऐसे बातों पर लोग तर्क वितर्क करता है, लेकिन वचन क्या कहता है उसमें कभी भी मिलावट नहीं करना। प्रभु का वचन को जैसा है वैसे ही हमें सिखाना। देखिए, जब कोई प्रेरित 11 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 11 17। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा, प्रेरित लोग यहाँ पर पत्रोस गवाही देता है, हमें विश्वास करने से मिला, वही आत्मा उनको भी विश्वास करने से मिला। देखा, इतना सुंदर गवाही है। आत्मा प्राप्त करता है विश्वास के द्वारा, कोई भी हमारा परिश्रम की फल नहीं, विश्वास के द्वारा क्लियर व्यवस्था है। अगर आपको डाउट है, मैं थोड़ा सा ये विषय में बहुत रहूंगा, एक्चुअली ये एक शब्द को बहुत देर बात करना चाहिए, लेकिन टाइम का कमी कारण मैं कुछ रेफरेंस आपको जल्दी जल्दी पढ़ा कर आगे बढ़ूंगा। गैलेशियन चैप्टर 3:2, गैलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, देखिए, तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के समाचार से पाया? विश्वास के समाचार से पाया। देखो, सवाल है, इसका जवाब मुझको और आपको देना है। देखिए, बहुत सरल बात है, हमने कोई व्यवस्था का काम पूरा करके आत्मा पाया क्या? नहीं, हमने विश्वास का समाचार सुनने के द्वारा हमने आत्मा को पाया, और आत्मा पाने का व्यवस्था विश्वास है। उसी अध्याय वही गैलेशियन चैप्टर 3:14, 3:14, 3 अध्याय का गैलातियों 3:14 वचन, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। देखा, विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखो, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दिया हुआ, आत्मा प्राप्त करने वाला मार्ग विश्वास का मार्ग है। देखो, अपन कितना वजन पढ़ रहा है, ये सारा वजन बोलता है विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करना। और कोई बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं 40 दिन उपवास करने के बाद में मुझे आत्मा मिला, फिर उसको मिला हुआ आत्मा पवित्र आत्मा नहीं होगा, वो कुछ और आत्मा रहेगा। इसलिए जरूरी जानना है, मतलब इसलिए देखो, पहला 4:1 में क्या बोला,
हरेक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो, बहुत बड़ी बात है। हमें आत्मा कौन सा है पहचानना है। आत्मा पाने के लिए यीशु मसीह के उपदेश आपको मालूम है, यीशु मसीह ने क्या बना था, योहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 39 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 39। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखा, उस पर विश्वास करने वाला पाने पर थे। देखो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला आत्मा। अभी आपने भी आत्मा पाया, अगर आत्मा नहीं पाया तो फिर प्रभु का जननी नहीं। आपको सबको मालूम है रोमियो 8:9 में लिखा है जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो सबसे बड़ी बात, जरूर अगर आप प्रभु में हैं तो आप मसीह हैं, तो मसीह की आत्मा का पाया हुआ अनुभव चाहिए। और जो आत्मा आपको कैसे पाया, कई बार मेरे जीवन में ऐसा बहुत लोग मिला, वो लोग बोला हमने 21 दिन उपवास किया इसके बाद आत्मा मिला है, इसका मतलब उससे पहले उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसका नया जन्म नहीं हुआ था। कितना दुखदायी बात है। ये सब प्रभु का वचन की अज्ञानता के कारण है, धोखा खाने वाली बात है। देखो मुझे मालूम है कि मतलब इस विषय में मतलब आपको शायद प्रकाश शायद कम देगा, आप इसलिए मेरे से जरूर बात करना, क्योंकि एक अच्छा अभी आपने को एक द्वार प्रभु ने खोल कर दिया। लेकिन ये जरूर आपका कोई भी संदेह रहेगा वो वजन के द्वारा उसको क्लियर करेगा, क्योंकि वजन ही हमारा बेस है। वजन को कोई भी मतलब नकार नहीं कर सकता, वजन को हमें स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए यहां पर मतलब हमारा आत्मा का उद्धार, हमारा विषय क्या है आप जरूर याद रखना, आत्मा का उद्धार। पहली बात मैंने कहा वो विश्वास के द्वारा है, दूसरी बात मैंने आपको कहा उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जब वो जेल में, जेल का सूबेदार ने पौलुस और सीलास को पूछता है ए स्वामियों मेरा उद्धार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुरंत प्रेरित पौलुस ने उनको क्या जवाब दिया, आपको याद होगा प्रेरितों का 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचन में प्रेषित एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 80-31। और उन्हें बाहर ले जाकर कहा हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। देखो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उत्तर देखो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देता है सिर्फ विश्वास करने के लिए बताया। मैं आशा करता हूं आपको ये विषय भी मतलब क्लियर हो गया होगा। और चौथी बात मतलब हम लोग आत्मा का उद्धार के संबंध में जानना चाहिए, उसमें अधि महत्व का 3 बात हमने देखा। अभी चौथी बात, हमारा आत्मा का उद्धार के लिए हमें कोई बेली चढ़ाने का या कोई कृत्य करने का कोई भी जरूरत नहीं। हमारा आत्मा का उद्धार के लिए आज हमें कोई बेली करने की जरूरत नहीं। पहले समय में आपको मालूम है कि मतलब जो भी लोग पाप करते हैं वो याजक के पास मेमने या बछड़े या कुछ भी नहीं तो कम से कम कबूतर को लेकर आकर के बिली करना पड़ता था। आज ऐसा कोई बिली है क्या है? आज ऐसा कोई बिली नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं। आज सिर्फ हमको विश्वास करना है। क्या करना? जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 14 वचन इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 14 चैप्टर 10 वर्स 14 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा अपने ही एक ही चढ़ावे के द्वारा, उसका 10 वचन भी पढ़िएगा 10 का 10। उसी इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए है। देखिए प्रभु यीशु मसीह की एक ही बार बलि चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए जाता है जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। अभी उनके लिए और एक बलि का जरूरत नहीं, अभी एक बलि बाकी नहीं रह गया। यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर हमारे लिए हमेशा के लिए अपने आप को एक ही बार बलिदान करके सदा के लिए हमको सिद्ध कर दिया।
यीशु मसीह में हम लोग कितना धन्य लोग हैं। मैं ये सोचता हूँ पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन में पढ़ता है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना, यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, यीशु मसीह हमारे लिए पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा। ओह कितना धन्य बात है प्रियो, यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है, यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है, है? तो इसलिए अभी हमें और एक बलिदान का जरूरत नहीं, हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, हमारा आत्मा का छुटकारा के लिए आत्मा का उद्धार के लिए आगे को कोई एक बलिदान नहीं रहा। और पांचवी बात, हमें उद्धार पाने हमारा आत्मा का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई मध्यस्थ नहीं, ये भी एक बड़ा गंभीर बात है। आज मसीह लोगों के बीच में कितनी मध्यस्थ लोग हैं, बिचुवाई करने वाले लोग है ना। तो प्रियो हमें ये बात को जानना है, बाइबल क्लियर कहता है एकमात्र मध्यस्थ है। आपको याद होगा पहला तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 5:6, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 5:6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखिए जिसने वो हमारा बिचवाई कौन है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारा के लिए दे दिया, वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। देखिए कितना क्लियर बात है, एकमात्र मध्यस्थ। आज लोग कितनी मध्यस्थों को पीछे भागते हैं, प्रियो बाइबल क्लियर कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है। परमेश्वर का भी अंगीकार करने वाला, मनुष्य का भी अंगीकार करने लायक योग्य एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। कितना धन्य बात है, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है, उसके द्वारा हमारा आत्मा का उद्धार है, उसके द्वारा ही हमारा आत्मा का उद्धार है। और छठवीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब आत्मा का उद्धार ये मनुष्य ने बनाए वो मार्ग नहीं। आज मनुष्य कई मार्ग बनाता है उद्धार पाने के लिए, उधर जाकर तपस करो, इधर जाकर ये करो ये करो। मैंने एक मतलब सन्यासी मतलब सन्यासी को मिला था, वो व्यक्ति उसको मतलब वो किसी का खून किया, उसको मतलब बिल्कुल दिल में चैन नहीं। तब उनको एक दूसरा सन्यासी ने उसको बताया आप क्या करना चाहिए, आप एक हनुमान मंदिर बना कर दो। अभी वो पैसा वाला था, उन्होंने हनुमान मंदिर बनाकर दिया, बनाकर देने के बाद में भी उसको चैन नहीं, क्योंकि उनका मन गवाही देता है कि वो खूनित हुई है, उसको रात को नींद नहीं आता। आकर दूसरे एक सन्यासी ने उसको बोला तू अपना घर परिवार सब छोड़ करके हिमाचल में जा करके उनको एक मंत्र बताया, बोला ये मंत्र जपना। वो इस बात को लेकर के घर परिवार छोड़ करके हिमाचल में जा करके धर्मशाला बोल करके एक जगह में वो तपस कर रहा है 19 साल से। उसके बीच में प्रभु के अनुग्रह से मेरा उनका मुलाकात हुआ, पूरा विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, शॉर्ट में बोलता हूं। तो मैं उनके साथ प्रभु का वचन बांटा, बांटने के समय में उसको मालूम पड़ा कि जो मुक्ति का मार्ग ये बता रहा है। वो व्यक्ति मेरे साथ आया, मेरे साथ एक हफ्ता रहा, उधार पाया। उधार पाने के बाद में मतलब बपतिस्मा लेने के बाद वो अभी मध्य प्रदेश में, वो जगह का नाम मैं भूल गया, कुंभ मेला होता है एक जगह पर, उज्जैन 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 में मतलब वो अभी प्रभु का सेवा करता है। देखिए अभी भी वो सन्यासी ड्रेस में मतलब वो मतलब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है। पिछली बार जब कुंभ मेला हुआ वहां पर आया, वो बहुत से सन्यासियों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उन लोग उधार पाया। उसका नाम भी मैं भूल गया, अभी क्या 91 का बात है, अभी क्या है कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, थोड़ा याद आएगा लेकिन जाए दो। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें उधार पाने के लिए मनुष्य की तैयार किया हुआ मार्ग नहीं है, ये कोई धर्म तैयार किया हुआ मार्ग नहीं,
ये परमेश्वर के तैयार किया हुआ मार्ग है। ये उद्धार ये हरेक लोगों को विश्वास के द्वारा मिलने वाला मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया। आपको मालूम है बाइबल का निचोड़ बोलेगा तो एक शब्द है, वो है योहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 वचन, आपको सबको मालूम है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए कितना अनमोल बात है, मतलब परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ बात है, परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ बात। ये मनुष्य की तरफ से नहीं, कोई धर्म की ओर से नहीं, कोई संगठन की तरफ से नहीं, ये सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता की ओर से तैयार किया हुआ मार्ग है। ये कितना अनमोल मार्ग है अपना एक ना, तो इसलिए आपको याद होगा जब इब्रानियों 2:3-4 में भी लिखा है इतनी बड़े उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो क्यों कर पा सकता है, नहीं पा सकता। परमेश्वर ने तैयार किया हुआ यह उद्धार परमेश्वर की उतना बड़ा उद्धार है, इतना श्रेष्ठ उद्धार है, इतना मूल्यवान उद्धार है ना, ये कोई मनुष्य नहीं तैयार कर सकता, ये परमेश्वर ने सबके लिए। इसलिए ना तीतुस का पत्री में एक शब्द है, तीतुस उसका 2:11, टाइटस चैप्टर 2:11, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण। यो कितना अनमोल बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ उद्धार का मार्ग, आज परमेश्वर की तरफ से तैयार किया हुआ ये मार्ग ना जानने के कारण कितनी लोग भटकते हैं। प्रभु की दया अंबर हुआ, प्रभु की करुणा अंबर हुआ, प्रभु हमें ढूंढ कर आया और हमें बचाया है ना। जब एक और उसमें एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, रोमियो का पत्री उसका 3:25, रोमियो उसका 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कितना अनमोल बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो हमें मिला हुआ ये उद्धार प्रभु ने सबके लिए तैयार किया, लेकिन विश्वास करने वालों को उसका प्रयोजन है, उसका लाभ है। कितना श्रेष्ठ बात है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ एक उद्धार का महत्व हम लोग हमेशा वर्णन करना चाहिए, उसका बारे में हमें हरेक को मतलब गवाही देना चाहिए। कितना श्रेष्ठ बात है, हमारा आत्मा का उद्धार, आज मेरा आत्मा का उद्धार हुआ है कि नहीं, और उस उद्धार हमें एक ही क्षण में जिस घड़ी में हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया उसको हमने अपने प्रभु जानकर अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उसी घड़ी में मिलने वाला बात है। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मानने के लिए उससे पहले आत्मा मिलना चाहिए। आपको याद होगा जब 12 अध्याय का 3 वचन में लिखा है प्रभु की आत्मा पाए बिना आत्मा में होते बिना प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके कोई बोल नहीं सकता। आज प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत है, वो बात नहीं, ये बात सच्चा दिल से प्रभु को पुकारने वाले बात है। पढ़ना उसको, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, पवित्र आत्मा के बिना कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में, इसी कारण आत्मा पाया हुआ लोग हमेशा आत्मा में पाया जाना कितना जरूरी बात है, आत्मा में चलना कितना जरूरी बात है। आज बहुत लोग आत्मा पाया और जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता। प्रियो आखिर में और एक बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आत्मा का उद्धार के महत्व वो सिर्फ मसीह में है, इसके बाहर नहीं, उद्धार सिर्फ मसीह में है, आत्मा का छुटकारा आत्मा का उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। आपको प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 12 वचन में हम देखा है Acts 4:12 और किसी के द्वारा उधार नहीं, पत्रोस यहां पर एक खुलकर एक बड़ा प्रचार करता है। हाँ पढ़िए,
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखा, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमारा कोई भी और कोई भी मार्ग नहीं है। कोई कई लोग उद्धार पाया करके पूछता है तो लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा और उद्धार में बहुत अलग बात है, अंदर की बात है। मतलब कोई भी प्रकार का कोई भी रीति में और उद्धार नहीं, और कोई व्यक्ति के द्वारा उद्धार नहीं। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। इतना बड़ी बात है। तो मैं आपको आज यही बात को मतलब जोर देना चाह रहा, हमारा आत्मा का उद्धार, हमारा आत्मा का उद्धार के संबंध में हमें जानने के लिए सात महत्वपूर्ण शब्द बहुत भाग करके विश्लेषण करने के लिए समय कम होने के कारण भाग करके आपका दिया हुआ समय के अंदर में उसको मतलब खत्म करना हो। एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे जीवन में ये उद्धार, प्रियो, हमारा ये तीनों उद्धार है। मैं उद्धार पाया, उधार पाते रहता हूं और उधार पाएगा। उधार का तीन काल है। बहुत लोग इस बात को नहीं जानता। हाँ, अभी कई लोगों को बोलेगा, हाँ मैं रोज उधार पाता हूं, ऐसा बोलेगा तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। हम लोग उधार पाया वो भूतकाल में किसका हो गया? आत्मा का। जो भी विश्वास किया उनको आत्मा का उधार मिला, परंतु हमारा प्राण का उधार अभी नहीं हुआ। हमें रोज रोज हमारा प्राण का उद्धार पाना है। प्रभु, अगर प्रभु का इच्छा है तो आने वाले क्लास में मैं आपको थोड़ा, लेकिन समय इतना 40 मिनट में तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा समय देगा तभी तो उसको थोड़ा बोल। अभी तो मैं कैसा इसको कम शब्द में बोलूंगा कि मैं शॉर्ट करके जा रहा था अभी, इसलिए अभी विषय को इतना विस्तार से बोल नहीं पाया। मेरे को आप लोग थोड़ा समय देना, ऐसा है तो ही अपन मतलब वो विषय को बोल पाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि हमने आज रोज हम अभी उद्धार के मार्ग में, उद्धार पाने के लिए वचन को जरूरत है। मैं आपको एक दो वचन बोल करके जल्दी समाप्त करूंगा। मतलब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका एक दो वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का एक दो वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, मतलब ये कौन सा उद्धार है? ये आत्मा का उद्धार नहीं, ये हमारा प्राण का उद्धार है। हमारा प्राण के उद्धार में रोज बढ़ते जाना, वो मैं आपको अगला क्लास में बहुत सिस्टमैटिकली बताऊंगा। और भी एक वचन बढ़ाऊंगा, उधर नास्तिक में याकोब पहला अध्याय उसका 21-22 वचन। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। देखा देखा, किसका उद्धार कर सकता? प्राण का, प्राण का उद्धार। देखिए, जो भी विश्वास किया उसके आत्मा का उद्धार हो गया, वो भूतकाल में हो गया, काम हो गया, परंतु अभी उनका प्राण का उद्धार पाने के लिए रोज हमें प्रभु का वजन को प्राप्त करना है, प्रभु का वजन को प्राप्त करना है। ये वजन हमें रोज प्राप्त करके हमारा प्राण का उद्धार में बढ़ते जाना ना। एक सच्चा मसीह जीवन के लिए ये प्राण का उद्धार पाने के लिए थोड़ा दाम चुकाना पड़ता है। वो सारे बात डिटेल से मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा। मैंने को दिया हुआ समय तकरीबन खत्म हो गया, अले हाँ, तो मैं इसलिए मेरे को ना डिसिप्लिन, मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ ना। मैं आर्मी में काम किया ना, आर्मी में बहुत डिसिप्लिन है, इसलिए आप 40 मिनट दिया तो 40 मिनट, एक मिनट का कम में 39 मिनट में खत्म करेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ जरूर हम, अगर प्रभु का कृपा है अभी आप लोगों ने अच्छा मुझे मौका दिया, प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सुनने वाला सबके साथ मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपसे बातचीत किया है और प्रभु का कृपा है, प्रभु का सहायता है। अगला दिन में हम जब मिलेंगे और उस समय में हम आगे का भागों को भी प्रभु की आत्मा की सहायता से सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपने धीरे दिखाया उसके लिए धन्यवाद। ये जो मौका बनाकर दिया हुआ
भाई तुषार को और रामूल ब्रदर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी भाव रायवा प्रभु के दासों के प्रति धन्यवाद और हमारा प्रिय संगठन पीसी माथ्यू ब्रदर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा मौका बनाकर दिया। तो आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके सबके साथ हो। आमीन।